गाइस, तो आज हम वीवो की जो अनबॉक्सिंग करेंगे इसी शॉप से करेंगे। आप शॉप देख सकते हैं कि लेकिन पीछे आपको लोगो नजर आ रहा है ओप्पो का, लेकिन इस दफा वीवो का सेट आए हैं। मैंने कंपैरिजन आपको वीडियो बना दी है और इंशाल्लाह जो भी न्यू मॉडल आएंगे उसकी हम कंपैरिजन भी करेंगे और भी न्यू वीडियो। और ये शॉप वाले भाई हैं, इनके पास आपको हर किस्म का सेट भी मिलेगा, चाहे वीवो लें ओप्पो लें, हर किस्म का आपको सेट मिलेगा। तो गाइस आओ हम पूरी वीडियो देखते हैं, उसमें आपको बताते हैं कि कौन सा सेट नया आया और कौन सी चीज़ें इसमें नई आई हैं। तो गाइस वीडियो पूरी देखें, अल्लाह हाफिज़। हे गाइस अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस आज मैं आपको जो वीवो का भी नया सेट आया है, तो गाइस हम आपको दिखा रहे हैं वीवो Y20 जो भी नया मॉडल मार्केट में आया है। तो इसकी मैं आपको चीज़ें बताता रहता हूँ, जो इसमें जो चीज़ें हैं वो भी आपको बता देता हूँ। जैसे कि इसकी हमें स्क्रीन देखने में मिल रही है वो 6.5 इंच डिस्प्ले है HD+ के साथ। अगर मैं वैसे इसके रेगुलेशन की जो बात करते हैं वो 16+ आपको 720 तक देखने में मिलती हैं। तो गाइस जैसे कि हम इसके बैक कैमरों की बात करते हैं, तो बैक कैमरे हमें 13 MP कैमरा, एक फ्रंट कैमरा देखने में मिलता है। उसके अलावा हमें दूसरा कैमरा देखे तो हमें 2 MP कैमरा देखने में मिलता है। अगर तीसरा भी कैमरा चेक करते हैं तो हमें वो भी 2 MP कैमरा देखने में मिलता है, जिसे हमें विथ वाइट एंगल के साथ देखने में मिलते हैं। तो वही इसी तरह के अगर हम इसके फ्रंट कैमरे की बात करें तो फ्रंट कैमरा हमें 8 MP कैमरा देखने में मिलते हैं। अगर हम इसकी वेट की बात करते हैं तो वेट हमें 192 ग्राम देखने में मिलते हैं। तो गाइज़ ये सबसे बेस्ट चीज़ है, इसका कोई वेट नहीं है आपको। अगर इसके अलावा हम चलते हैं इसकी बैटरी की तरफ, जो हमें परफॉर्मेंस के लिहाज से जो चीज़ सपोर्ट ज़्यादा अच्छी करती है, तो हमें इसकी बैटरी 5000 mAh देखने में मिलती है। तो लेकिन अगर हम इसके चार्जर की भी बात कर लेते हैं तो चार्जर हमें इसका 18W का चार्जर देखने में मिलता है साथ। उसके अलावा गाइज इसके अलावा जो इसका वेरिएंट हमें दिया गया है, जो हमें 4 GB रैम है और 64 GB इसकी मेमोरी है, तो ये पाकिस्तान में बिल्कुल कम प्राइस में दिया गया है। जैसे कि प्राइस आपको बात करता रहता हूँ, लेकिन सबसे पहले आपको इसकी और चीज़ें बता दूँ। इसके अलावा हमें जो कैमरे के अंदर रिज़ल्ट है वो भी देख लेते हैं, हमें क्या चीज़ें देखने में इसमें मिलती हैं। मैंने आपको रात बताया कि हमने उसको देख सकते हैं, लेकिन इतना इसका ख़ास कैमरा नहीं है, लेकिन ये प्राइस के लिहाज से बहुत कम है। इसके अलावा गाइस जो इसमें मेन चीज़ें चार्जर मैंने आपको बताया, जो प्राइस दी गई है वो आपको बताया जाता हूँ। जैसे कि प्राइस इसकी वैसे मार्केट 28,000 रुपये, लेकिन आपको लेस करके ये 24,000 का मिलेगा। अगर इसके हम कंपैरिजन चेक करते हैं, S1 जो मिलता था 32,500 रुपये का, लेकिन उसकी इनवॉइस रेट 36,000 था, लेकिन उस लिहाज से बहुत अच्छा दिया है। मैं क्या आपको एक सेट कंपैरिजन करके दिखा देता हूँ, सेट जो ओप्पो का है, कि उसमें से कौन सा अच्छा सेट है या नहीं है। तो गाइज मैं जैसे कि आज आपको बताता जाऊँ, ओप्पो का A31 है, इसी रेट में है, लेकिन सॉरी उसका जो अब प्राइस टैग मैंने देखा है तो वो 26,000 रुपये टैग है, जैसे वीवो Y20 के अंदर है। इसके अलावा जैसे A31 देख सकते हैं, A31 में हमें भी वही चीज़ें देखने में मिलती है, लेकिन हमें इसमें 4/128 देखने में मिलती है। उसके अलावा हमें Real 3 कैमरे देखने सेटअप मिलता है। अगर हम इसके डिस्प्ले LCD चेक करते हैं, हमें 6 वही देखने में मिलती है जो हमें उसके अंदर देखने में मिलती हैं, लेकिन इसके जो बैटरी हमें वो कम मिलती है, इसकी बैटरी हमें 5000 mAh बैटरी देखने में मिलती है। तो गाइस ये मैंने सेट बता दिया, लेकिन आप मुझे कमेंट में लाजमी बताएं कि इन सेट में से सेट कौन सा अच्छा है, क्योंकि ये अभी वीवो का अभी न्यू मॉडल आया है, तो आप इसकी रेगुलेशन चीज़ें चेक कर सकते हैं, इसके डिस्प्ले और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, वो मैंने अपनी पहली वीडियो में लगा दी हैं। इसके अंदर हमें वीवो की चीज़ें भी देखने में मिलती हैं। इसके उसके अलावा इसमें गैलरी लॉक इसका अपना इंस्टॉल है, जो इसके पहले से उसके वीवो शेयर है, इसके अंदर चीज़ें पड़ी हुई हैं। इसके अलावा गाइस हमें इसके अंदर DSSP+ कार्ड देखने में मिलता है, अदरवाइज अगर इसके हम फिंगरप्रिंट चेक करते हैं तो हमें फिंगरप्रिंट इसका साइड पे देखने में मिलता है। तो लेकिन अब पहले वीवो के हमें या फ्रंट स्क्रीन पे देखने में मिलता था या हमें बैक पे देखने में मिलता है, लेकिन इस दफ़ा वीवो का हमें साइड पे देखने में मिल रहा है। और कैमरे की लुक अगर देखें तो इस सेटअप के ऊपर हमें देखने में मिल रहा है, लेकिन शाइनिंग की इसकी बात करते हैं, जैसे लुक की बात, लेकिन ये प्लास्टिक है, लेकिन ग्लासिक लुक दे रही है। तो गाइस ये मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, आप मुझे कमेंट करके लाजमी बताएं इनमें से कौन सा आपको बेहतर फील लगता है, क्योंकि इसके मैं कंपैरिजन अब वीडियो बाद में लगाऊंगा, लेकिन मैं आपके सामने इसको दिखा दिए हैं। इसमें आपको ब्लैक कलर मिलेगा और वाइट भी। तो गाइस जिसे मैं चैनल सब्सक्राइबिंग है सब्सक्राइब क्यों, ऐसी वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूँगा। और भी जाने से पहले बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़।